किसी ने क्या खूब कहा है, नशा मेहनत का करो तो बीमारी भी सक्सेस की लगेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, इसको सुनने के बाद हम बहाने मारना भूल जाएंगे या बंद कर देंगे। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है मेहनत का नशा। अफ्रीका के सेनेगल देश के एक छोटे से गांव का लड़का, जिसे फुटबॉल खेलने का जुनून इस कदर सवार हो गया कि कचरे में से उठाए फटे जूते पहनकर वह कपड़े की फुटबॉल से प्रैक्टिस करने लगा। क्योंकि इस बंदे के पास न तो जूते खरीदने के पैसे थे और न ही फुटबॉल खरीदने के, यहां तक कि कभी कभार इस बंदे को नहाना भी नसीब नहीं होता था। और ऐसे वक्त में यह लड़का मिट्टी खाकर अपना भूख मिटाता था। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसी कंडीशन हमारी नहीं होगी, क्योंकि जिस फोन या लैपटॉप पर हम यह देख रहे हैं वह भी हजारों रुपए का है, लेकिन उस बंदे के पास तो खाने तक के पैसे नहीं थे। वह फटे जूते से फुटबॉल की प्रैक्टिस करता था। कोई नहीं था उसे ट्रेन करने वाला, लेकिन फिर भी उस बंदे को अपने आप पर विश्वास था। एक जिद थी कि एक दिन पूरी दुनिया मुझे मेरे नाम से जानेगी। और जब यह 12 साल का था तो इसके देश के राजधानी में फुटबॉल के ट्रायल्स हुए। उस वक्त उस बंदे के पास वहां तक ट्रेवल करने तक के भी पैसे नहीं थे, लेकिन जुनून इस कदर सवार था कि 12 साल का ये लड़का 160 किलोमीटर भागते हुए वहां पहुंचा सिर्फ ट्रायल देने के लिए। अब आप ही सोचो कि कितनी आग होगी उस बंदे के अंदर। जब यह अपने फटे हुए जूतों में वहां पर पहुंचा तो लोगों ने वहां पर उसका मजाक बनाया, लेकिन इस बंदे के 5 मिनट के ट्रायल ने सब लोगों की बोलती बंद कर दी। उसने दिखा दिया कि फटे हाल वाला ये लड़का भी रिकॉर्ड तोड़ सकता है। उस वक्त कोच ने 12 साल के लड़के को बोला कि एक दिन मुझे तेरे नाम से जानेगी। उस दिन वह बहुत खुश था। जब ये बंदा खुशखबरी सुनाने के लिए दौड़ता हुआ अपने घर गया, तब देखा कि इसके पिताजी की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। सोचो, उस दिन 12 साल के इस लड़के की क्या हालत हुई होगी। अब इसके पास प्यार करने के लिए सिर्फ एक ही चीज बची थी, फुटबॉल। उसने अपने आंसू पोंछे और प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। उसकी प्रैक्टिस और इस गेम के लिए जुनून देखकर फ्रांस के एक बहुत बड़े क्लब ने उसे सेलेक्ट कर लिया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस लड़के ने फटे जूते पहनकर फुटबॉल खेलना शुरू किया था, आज वही लड़का दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब के लिए खेलता है। इस लड़के ने 2 मिनट 56 सेकंड में बैक टू बैक 3 गोल करके एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। वह लड़का कोई और नहीं, सादियो माने, जो कि एक प्रसिद्ध फुटबॉल प्लेयर है। सदियो माने इंग्लैंड के एक बहुत महंगे फुटबॉल क्लब लिवरपूल फुटबॉल क्लब के लिए खिलाड़ी है। आज वे हफ्ते के करोड़ों कमाते हैं, लेकिन इतनी दौलत शोहरत हासिल करने के बाद भी वह एक बहुत ही सादा जीवन जीते हैं। ऐसा जुनून, ऐसा पागलपन अगर हम अपने अंदर ला पाए और बहाने बनाना छोड़ दें तो अपने लाइफ में भी कुछ भी पा सकते हैं। और इसके लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा, काम तो सभी करते हैं पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानियां आपको मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन।